हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। आगे आप सभी को इस वीडियो में कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। एक एक करके इन सभी जनरेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरा पहले का फंडामेंटल कंप्यूटर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे अवश्य देख लें। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं लोकल ट्रिक्स TRIX। कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास अक्सर कंप्यूटिंग डिवाइस के विभिन्न पीढ़ी के संदर्भ में शुरू किया जाता है। एक पीढ़ी उत्पाद विकास प्रक्रिया में सुधार की स्थिति को संदर्भ करती है। इस शब्द का उपयोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रगति के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार जब से हुआ है तब से लेकर अभी तक का अवधि यानी पीरियड को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसी अवधि को हम कंप्यूटर पीढ़ी यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। प्रत्येक नई पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किटरी पिछले पीढ़ी के तुलना में छोटे और अधिक एडवांस होते गई है। कंप्यूटर की हर पीढ़ी को प्रमुख तकनीकी विकास द्वारा माना जाता है, जो मूल रूप से कंप्यूटर के संचालन के तरीके को बदलता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर छोटे, सस्ता, अधिक शक्तिशाली और अधिक कुशल और विश्वसनीय उपकरण होते जा रहा है। कंप्यूटर के कितने पीढ़ी हैं? हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन 1937 से 1953 और सेकेंड जनरेशन 1954 से 1962, थर्ड जनरेशन 1963 से 1971 और फोर्थ जनरेशन 1972 से 1984, फिफ्थ जनरेशन 1985 से प्रेजेंट। तो चलिए एक एक करके इन सभी जनरेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1937 से 1953, वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब्स और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। यह बहुत विशाल होता था और इसे लगाने के लिए पूरा कमरा की जरूरत होती थी। मैग्नेटिक ड्रम, जिसे ड्रम के रूप में भी जाना जाता है, यह एक मेटल सिलेंडर के जैसा होता है जो मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड से ढका हुआ होता है, जिस पर डेटा और प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक ड्रम जहां एक बार प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में उसे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में लागू किया गया। यह संचालित करने के लिए बहुत महंगा था और बिजली का एक बड़ा सौदा करने के अलावा बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स और इनेक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। सेकेंड जनरेशन 1954 से 1962, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को बदल के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ से बना एक उपकरण है जो सिग्नल को बढ़ाता है और सर्किट खोलता या बंद करता है। इसका आविष्कार 1947 में बेल लैब्स में किया गया था। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर सहित सभी डिजिटल सर्किट का मुख्य घटक बन गया है। आज के माइक्रोप्रोसेसर में लाखों माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से बहुत बेहतर था। इसके आने से कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ता, ऊर्जा का बचत और पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते थे। ट्रांजिस्टर के माध्यम से भी बहुत गर्मी उत्पन्न होता था, जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता था। इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ऑटोमेटिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। थर्ड जनरेशन 1963 से 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नमूना था। ट्रांजिस्टर को कम से कम किया गया और सिलिकॉन चिप का उपयोग किया गया, जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जो कंप्यूटर की गति और कार्य क्षमता में काफी वृद्धि किया। इस पीढ़ी में सीपीयू और मेमोरी दोनों के लिए कंप्यूटर चिप का उपयोग होने लगा, जो सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना होता था। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को छोटा बना दिया, न केवल छोटा बनाया बल्कि कंपोनेंट कम जगह लेने लगे और कम ऊर्जा की आवश्यकता होने लगी। फोर्थ जनरेशन 1972 से 1984, माइक्रोप्रोसेसर्स। माइक्रोप्रोसेसर ने चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर लाए।
हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह एक सिलिकॉन चिप का पुनर्निर्माण किया गया और इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वर्तमान कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू शब्द अदल बदल के उपयोग किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर घड़ी की सुई से लेकर ऑटोमोबाइल के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तक लगभग सभी डिजिटल उपकरणों के तर्क को नियंत्रित करता है। तीन मूलभूत विशेषताएं माइक्रो प्रोसेसर को अलग करती है। इंस्ट्रक्शन सेट, निर्देशों का सेट जो माइक्रो प्रोसेसर निष्पादित कर सकता है। बैंडविड्थ, एक ही निर्देश में संसाधित बिट्स की संख्या। क्लॉक स्पीड, मेगाहर्ट्ज में देखते हुए क्लॉक स्पीड निर्धारित करती है कि प्रति सेकंड प्रोसेसर कितने निर्देश एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1981 में IBM ने घरेलू उपयोगकर्ता के लिए पहला कंप्यूटर पेश किया और 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश पेश किया। यह छोटा कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए इन्हें नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है, जो अंततः इंटरनेट की विकास की ओर ले जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने ही माउस और हैंडहेल्ड डिवाइस के विकास को भी देखा। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से प्रेजेंट। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटिंग डिवाइस अभी भी विकास में है। हालांकि कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे ध्वनि पहचान जिसका उपयोग आज किया जा रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की शाखा है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह बुद्धिमान बनाने का प्रयास करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गेम्स प्लेइंग, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज, न्यूरल नेटवर्क्स, रोबोटिक्स, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन शामिल है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सबने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अब हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।